नमस्कार। इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में विजेताओं को डिजिटल इंडिया पुरस्कार प्रदान करेंगी। सरकारी संस्थाओं द्वारा सभी स्तरों पर नवाचार डिजिटल पहलों को प्रोत्साहित और सम्मानित करना है डिजिटल इंडिया पुरस्कार का मकसद। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज नई दिल्ली में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर का औपचारिक रूप से करेंगे उद्घाटन। गणतंत्र दिवस शिविर में इस साल देश भर से एनसीसी के 2155 कैडेट हो रहे हैं शामिल। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज झारखंड और छत्तीसगढ़ के दौरे पर। अमित शाह चाईबासा और कोरबा में भाजपा कोर ग्रुप की बैठकों में हिस्सा लेने के साथ ही जनसभाओं को भी करेंगे संबोधित। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जारी किया देश की अर्थव्यवस्था के लिए पहला अग्रिम आकलन। आर्थिक विकास दर 7% रहने के आसार। होटल, परिवहन और संचार क्षेत्र की विकास दर 13.7% रहने का अनुमान। उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से ठिठुर रहे हैं मैदानी इलाके। सामान्य जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। घने कोहरे ने थामी वाहनों की रफ्तार। रूस द्वारा अस्थायी एकतरफा युद्ध विराम की घोषणा के बावजूद रूस और यूक्रेनी सेना के बीच गोलाबारी जारी। वहीं यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख ने रूस द्वारा किए गए युद्ध विराम को बताया पाखंड। और भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा T20 इंटरनेशनल मैच आज शाम राजकोट में। 3 मैचों की सीरीज में दोनों ही टीमें हैं 1-1 की बराबरी पर। और अब सभी खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में विजेताओं को डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 प्रदान करेंगी। सरकार ने डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की कल्पना की है। डिजिटल इंडिया पुरस्कार सरकारी संस्थाओं द्वारा सभी स्तरों पर नवाचार डिजिटल पहलों को प्रोत्साहित और सम्मानित करता है। DIA का उद्देश्य डिजिटल इंडिया विजन को पूरा करना है। पुरस्कार समारोह में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज दिल्ली कैंट में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर का औपचारिक तौर पर उद्घाटन करेंगे। इस शिविर में सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से 710 लड़कियों सहित कुल 2155 कैडेटों को शामिल किया गया है, जो लगभग 1 महीने चलने वाले इस शिविर में हिस्सा ले रहे हैं। इस शिविर का समापन 28 जनवरी को प्रधानमंत्री की रैली के साथ होगा। इस शिविर में भाग ले रहे कैडेटों में जम्मू कश्मीर के 114 और पूर्वोत्तर क्षेत्र के 120 कैडेट शामिल हैं। गणतंत्र दिवस शिविर का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में गणतंत्र दिवस की रनअप में होने वाले अहम आयोजनों के माध्यम से देश की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को उजागर करना है। इसके अलावा इसका उद्देश्य कैडेटों के व्यक्तित्व कौशल में वृद्धि करना और उनकी मूल्य प्रणाली को मजबूत बनाना है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज से 2 राज्यों के दौरे पर हैं। अमित शाह आज सबसे पहले झारखंड के चाईबासा में भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में हिस्सा लेंगे, जिसके बाद चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में गृहमंत्री अमित शाह एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
दोपहर में गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। वे कोरबा के माता सर्वमंगला मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे। अमित शाह कोरबा के ही इंदिरा स्टेडियम में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम को अमित शाह कोरबा में भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में हिस्सा लेंगे। और अब बात डीडी प्रीमियर्स की। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी प्रीमियर्स और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अपने इस खास प्रोग्राम में हम बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले शानदार धारावाहिकों की। तो सबसे पहले बात करेंगे धारावाहिक सुरों का एकलव्य की। इस धारावाहिक में आज आपको देखने को मिलेगा कि तमाम प्रतियोगियों ने संगीत जगत के दिग्गजों को दी है सुरीली श्रद्धांजलि। इस हफ्ते होने वाला है कुछ खास। हमारे पार्टिसिपेंट्स आपस में एक दूसरे को करने वाले हैं चैलेंज। अंतरे में थोड़ी कमी लगी। चला हूँ मैं, जैसा गाया बहुत अच्छा था। सभी ने दिए एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस। मैं चैलेंज कर रहा हूँ राहुल आपको। कौन है आज का वीकेस्ट परफॉर्मर ऑफ द डे? और फिर आई एलिमिनेशन की घड़ी। आई वुड लाइक टू नॉमिनेट माई सेल्फ। मैं चाहता हूँ तुम जैसे बच्चे सुरों का एकलव्य जीते। तो क्या ऑडियंस और मेंटर्स का दिल जीत पाएंगे हमारे प्रतियोगी? जानने के लिए देखिए धारावाहिक सुरों का एकलव्य हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे डीडी नेशनल पर। तो दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले इन शानदार धारावाहिकों का आप उठाते रहिए आनंद, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। विदेश मंत्रालय अगले हफ्ते स्पेशल वर्चुअल ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन कर रहा है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के नाम से आगामी 12 से 13 जनवरी के बीच इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस दो दिवसीय सम्मेलन में 10 सत्र आयोजित होंगे। पीएम मोदी 2 सत्रों में हिस्सा लेंगे। ये आयोजन पीएम मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावनाओं से प्रेरित है। सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी भारत दौरे पर हैं। चंद्रिका प्रसाद संतोखी कल देर रात दिल्ली पहुंचे। दिल्ली हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया गया। चंद्रिका प्रसाद संतोखी 8 से 10 जनवरी के बीच मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होंगे। उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी है। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में ठंड काफी बढ़ गई है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह घने कोहरे की चादर दिखाई दी। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर भारत में आने वाले दिनों में ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तर पश्चिम भारत में घने कोहरे की स्थिति अगले 3 से 4 दिनों तक बनी रहेगी। दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए कोहरे का अलर्ट जारी किया है। हालांकि अभी तक एयरपोर्ट पर उड़ानों की आवाजाही सामान्य है। कोहरे के कारण रेलवे के परिचालन पर भी प्रभाव पड़ा है। कई रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों और उसकी नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तमाम आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। एनएसओ ने भी कल 2022-23 के लिए आर्थिक वृद्धि का पहला अग्रिम आकलन जारी किया। इसके मुताबिक साल 2022-23 में देश की आर्थिक विकास दर 7% रह सकती है। अगर सेक्टर के हिसाब से बात की जाए तो कृषि क्षेत्र की विकास दर 3.5%, बिजली गैस क्षेत्र की विकास दर 9%, व्यापार, होटल, परिवहन और संचार क्षेत्र की विकास दर 13.7% रहने का अनुमान है। नवोदय विद्यालय समिति ने कक्षा 6 में
दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 जनवरी 2023 तय की गई है। कक्षा 6 में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट navoday.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा का आयोजन 29 अप्रैल को किया जाएगा। रूस द्वारा अस्थायी एकतरफा युद्ध विराम की घोषणा के बावजूद रूस और यूक्रेनी सेना के बीच गोलाबारी जारी है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक लुहांस्क, डोनेट्स्क और ज़ापोरिज़्या क्षेत्रों में उसके ठिकानों पर हमले हुए हैं, जबकि उसके सैनिक संघर्ष विराम का पालन कर रहे हैं। दोनों देश एक दूसरे पर युद्ध विराम का पालन नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस खुद ही युद्ध विराम का पालन नहीं कर रहा है। उसने आरोप लगाया है कि रूस समर्थित विद्रोहियों ने नागरिक बस्तियों पर हमले किए हैं। वहीं यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने रूस द्वारा किए गए युद्ध विराम को पाखंड बताया है। भारत और श्रीलंका के बीच T20 सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला आज राजकोट में खेला जाएगा। इस सीरीज में दोनों टीमें एक एक की बराबरी पर हैं। अब तीसरे मुकाबले में दोनों टीमों की कोशिश जीत के साथ सीरीज अपने नाम करने की होगी। मैच आज शाम शुरू होगा। तो इसके साथ है इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।